नमस्कार नाजरीन खैर मकदम मैं आपका प्रोग्राम किताब कायनात में और मैं हूँ आपका मेज़बान मुस्तहसन रिजवी नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक उर्दू किताब पर गुफगू करते हैं और आज जिस उर्दू किताब पर हम गुफ्तगु करने जा रहे हैं वो है हसरत मोहानी खलीक अंजुम की लिखी हुई किताब है जिसमें हसरत की शख्सियत पर रोशनी डाली गई है इस किताब पर गुफ्तु करने के लिए हमारे बीच हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब आप सी आई एल जे एन यू में सीनियर प्रोफेसर हैं और इससे पहले आप एन सी पी यू एल के डायरेक्टर रहे हैं क़रीब दो दर्जन से ज़ायद किताबों के मुसन्फ़ हैं यूरोप और खलीजी ममालिक में आप उर्दू के लिए काफ़ी आपने सफ़र किया है और डेनमार्क में आपको सफ़ी उर्दू का खिताब भी मिला है ख्वाजाकर्दीन साहब बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया आपका किताब पर गुफग से पहले आ, पे किताब पर बात हो जाए तो खलीम साहब के ताल्लुक से आप हमारे नाजरीन को बताइए ज़रूर ज़रूर देखें ये किताब हसरत मुहानी, ये खली कंजुम साहब की तहरीर करदा एक अहम तहकीकी किताब है खली कंजुम साहब के हवाले से एक बात पूरी उर्दू दुनिया जानती है कि बड़े ही महिक़ हैं और अदब पर गहरी निगाह है उर्दू अदब के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर दी तदरीस से वस्ता रहे करमल कॉलेज में तदरीसी फरज़ अंजाम दिए उसके बाद वो अंजुमन तरक् उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर फायज़ रहे ता अंजुमन को जिन बुलंदियों तक खली कंजम ने पहुँचाया है उन बुलंदियों को अगर शुमार करें तो सिर्फ बिल्डिंग से नहीं सिर्फ इदारे से नहीं इदारा मज़बूत होता है जिस मकसद के लिए इदारा क़ायम किया गया है तो जाहिर है कि उर्दू की तरवीज और फ़रोग और अदब के हवाले से वो मामला था तो खली कंजुम साहब ने उर्दू तसनीफ़ो तालीफ और उर्दू तहरीक के हवाले से जितना अहम काम किया है वो यकीनन उर्दू तारीख उन्हें कभी फरामोश नहीं कर सकती हाँ ये सवाल ये।, ये सवाल उठता है सर कि हाँ। हसरत मोहानी पर तो इससे पहले बेशतर किताब ढेरों किताबें लिखी गईं तो इस किताब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई या कि इस किताब की अहमियत उस लिहाज से जी जैसा कि इन्होंने दिवाचे में लिखा है कि पब्लिकेशन डिवीज़न ने नाइनटीन नाइनटी फोर में इनसे गुज़ारिश की ये छबी नाइनटीन नाइन्टी फोर में एक साल पहले इनसे गुजारिश की इसका मतलब यह है कि इस, इस किताब की तसनीफ़ का जो वक्फ़ा है वह एक साल का है इनसे ये गुजारिश की गई कि आप एक मोनोग्राफ यानी दो सौ सफ़ेद तक उनको पाबंद किया गया तो उनसे ये कहा गया कि हसत मोहानी एक ऐसी शख्सियत है जो हम जहद शख्सियत है मतनव शख्सियत है यानि वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के वो मालिक थे क्या क्या पर्सनलिटी थी वह एक शायर की हिसत से हम जानते हैं सियासत के अतबार से जानते हैं मुजाहिद आज़ादी के नाम से जानते हैं तहरीक के हवाले से जानते हैं तो इनकी शख्सियत के कई पहलू हैं इन तमाम पहलुओं को मुख्तर सफ़ात में जमा करना एक इंफॉर्मेटिक बुक मालूमी किताब जो आम कारी पढ़ सके उस एतबार से किताब लिखने की इनसे फरमाइश की गई अच्छा हैरतंगेज़ तौर पर जब हसरत मोहानी का नाम आता है तो हम समझते हैं मुजाहिद आज़ादी जब हसत मोहानी का नाम आता है तो हम ये समझते हैं उर्दू का बड़ा शायर इसलिए बड़ा शायर कि जदीद शायरी और जदीद गजल के जो चार अहम सतून हैं उनमें से एक अहम सतून जो है हसत मुहानी हसरत मुहानी है तो हसरत मुहानी के अदब के हवाले से इसमें तो बहुत कम है इस पूरी किताब में अगर आप देखिए तो बमश्क तमाम पच्चीस गजलें मौजूद हैं वगरना वो तहकीकी गोशों को उन्होंने वाज़ किया अच्छा तहीकी गोशे क्या है सबसे पहले जब हम किसी शख्सियत पर काम करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से उनका ताल्लुक है क्या है तो उनका वो पूरा शजर सब इन्होंने लिखा है लेकिन उसके बाद जो पहलू आता है कि इनकी तारीख़ पैदाइश क्या है यही आता है अच्छा ये, ये हैरत की बात है दो हैरतों को मैं आपको बताना चाहता हूँ पहली हैरत ये कि हसत मोहानी इतनी बड़ी अजीम शख्सियत लेकिन तारीख़ में फरामोश करदा शख्सियत जिन्हें भुला दिया भुलाना नहीं चाहिए ये हमारी हिंदुस्तानी तहजीबी माशती सियासी और सकाफती तारीख का ये रोशन बाब है बावजूद इस पर जितना काम होना चाहिए था और जिस तरह से उनके हवाले से गुफ्तु होनी चाहिए थी नहीं हो रही है तो ये इसका भी इस अलभिया का भी उन्होंने जिक्र किया है इसके बाद ख़ुद उनकी ज़िंदगी की कई अलमिये यानी जब उनकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से बात की जाती है तो खली अंजुम चूँकि तहकीकी जहन रखते थे तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों को देखा और आखिर में यह नतीजा निकाला कि जब वो बैठे लिखने के लिए तो उन्होंने लिखा कि जब मैं इनकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से जानना चाहा कि असल तारीख़ पैदाइश क्या हो सकती है तो उन्हें तकरीबन बत्तीस हवाले मिले कितने हवाले मिले थर्टी टू हवाले अब थर्टी टू हवालों को ये बताना कि कब उनकी तारीख है तो ये असल एक महकीक़ का बड़ा काम होता है और यहीं आ के उस किताब की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि जिसने किताब लिखी है तो वो उस किताब लिखते हुए तहक़ीक करते हुए चूँकि इनका इस्टबलिश फैक्ट है कि खली कंजुम एक बड़े महक हैं तो उन्होंने तहकीकी अंदाज़ में जो मतनी तहकीक़ होती है यह लिखा है कि इनकी तारीख़ पैदाइश के तमाम हवालों को देखने के बाद यह अंदाज़ा होता है कि अठहत्तर से अस्सी तक के दरमियान कोई तारीख़ होगी और ये दिलचस्प बात लिखी है कि खुद हसरत मोहानी को मालूम नहीं था कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या लेकिन तहकीक का काम यह है कि असल तक तक, तक पहुँचे उसकी निशानदेही की और जो तहकीक का एक पैरामीटर होता है एक मैार होता है उस मेयार को सामने रख कर के उन्होंने इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के सवाने को बहुत ही खूबसूरत और सबसे अहम बात यह है इस किताब की कि, कि इस किताब में उन्होंने उनके जितने डायमेंशन हो सकते थे तो खली अंजुम का कमाल यह है कि उन्होंने इस मुख्तसर सी किताब में ज़्यादातर उन हवालों को पेश किया है उन पहलुओं पर रोशनी डाली है जिन पहलुओं के बारे में आम कारीन नहीं जानते, जानते थे उनकी बेगम सिख के हवाले से जो बाब है उस पर कुछ रोशनी डाली है हमारे नाजरीन के लिए वो बहुत अच्छा दिलचस्प बहुत, बहुत अच्छा दिल्टस... सवाल किया और मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आज के ज़माने में ख़ास तौर पर ये बात जानी चाहिए सामने जो हकीकत है ये देखिए कि हसरत मोहानी जिस खान से थे बड़ा खान उनकी बेगम का जो खानवादा था वो भी बड़ा खानवादा था यानी बड़ा ही आ, पुर, पुरसर खानवादा था बड़े हसबो नस्ब के मालिक थे उर्दू मुस्लिम हिंदुस्तान बर्रशीर इस हवाले से तारीफ ऐसे मौजूद हैं लेकिन उनकी बेगम नशातुलनिस जो हैं वो पहले मुस्लिम खातून हैं जिन्होंने जंग आज़ादी में अमली तौर पर हिस्सा लिया अच्छा कब लिया अमली तौर पर हिस्सा वो ये उनकी उम्र जो तीस साल की रही होगी जब हसरत वोहानी को पहली दफ़ा कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई और दो साल की सजा हुई उसमें एक साल तखफी कर दी गई तो इनकी बेगम अमली तौर पर तहरीक आज़ादी में शरीक होती, अमली तौर पर तहरीक आज़ादी में शर्क होना और किस तरह से शर्क होती हैं इस तरह से शर्क होती हैं कि वो एक खातुन खाना थी लेकिन पढ़ी लिखी खा, खातून थी वो शरी उन्होंने पर्दा तर्क किया और मजलिसों में जाने लगी मजलसों में उन्होंने तकरीरें की और सिर्फ तकरीरें नहीं की कहा जाता है आमतौर पर यह कहा जाता है कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है इन्होंने तो बराबर शाना बशाना चलने की मिसाल कायम की है और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अहद में जिस भी ये कहा जाता है एक तरफ हसरत और उस जमाने में जब म मशी और मगरबी तहजीब का यलगार हो रहा था और मुस्लिम खान मादे के बारे में यह कहा जाता जा था उस वक्त तक तो औरतें तो अपने नाम से नहीं लिखती थी लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे आती हैं सामने खड़े होकर के आती हैं और शरीक होती हैं अबली तौर पर और ये बाब वो बाब है जो आवाम तक पहुँचना चाहिए लोगों को जानना चाहिए अलीगढ़ में जो जहाँ हसरत मोहानी थे जो कि एक तहजीबी गहवारा है वहाँ इनकी खिदमत उर्दू के हवाले से क्या क्या है इस बाजार रोशनी है? देखिए हसरत बुहानी मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अदबी सहाफ़त के अतबार से अगर देखें बड़ा नाम है बहुत बड़ा नाम इसलिए कि उर्दू म जो रसाला है उस रसाले ने एक ट्रेंड सेट किया उर्दू में अच्छा अब आप देखिए कि ये जो बीसवीं सदी के इब्तदाई का सदियाँ दिहाइयाँ हैं पहली दूसरी तीसरी ये बड़ी तब्दीलियों का ज़माना था हिंदुस्तान में अच्छा पहली दफ़ा आप ये देखिए कि इन्हीं दिहाइयों में बंद तरीके से अदब को क्या होना चाहिए किस तरह से होना चाहिए किस रंग में होना चाहिए और इससे पहले सर सैद ने दो अखलाक निकाला था है ना तो उसके बावजूद उर्दू मोल्ह की ज़रूरत क्यों पड़ी जब उर्दू मोल्ला का पहला शुमारा निकला ये बड़ी तारीखें हैं अच्छा कैसे बंद हुआ वो बड़ी दिलचस्प कहानी है कैसे शुरू हुआ ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है खुद उर्दू उर्दा का जब पहला शुमारा निकलता है तो हसत मोहानी ने उस शुमारे के टाइटल पेज के आखिरी हिस्से पे, जिसको हम कहते हैं बैक टाइटल या सर वर्क के पुष्त पर उन्होंने उसके अगराज़ व मकासद लिखे कि हम ये रिसाला क्यों निकालना चाहते हैं और इस रिसाले में किस तरह की तहरीरें आएँगी ये बड़ी बात है और ये उससे अंदाज़ा होता है कि वो किस फिक्र के मालिक थे वो चाहते क्या थे कि अदबी सहाफ़त और सहाफत किस तरह से परवान चढ़े मैं चाहता हूँ कि वो दो तीन पॉइंट जो हसरत वोहानी ने उस पर लिखे थे वो आप सुने ताकि सामयीन को मालूम हो जाए कि उर्दो म का मकसद क्या था तो ये उर्दू मोल्ला जब निकाला तो उन्होंने आखिरी सफ़े पर जो लिखा उसमें दो तीन चार पॉइंट थे पहला पॉइंट वो लिखते हैं पहली बात कि उर्द के पहले शुमारे के आखिरी सफ़े पर जो दर्ज है उसमें लिखते हैं अगराज़ मकासद ये है इस रिसाले का मकसद सिर्फ़ एक है सिर्फ एक बड़ी बात है ना इतना बड़ा रिसाला निकाल लें और कहते हैं सिर्फ एक है। और मकसद क्या है और ये बड़ी बात है जो कहने जा रहे हैं कि यानी दुरुस्त ये मजाक ये दुरुस्ती मजाक को सही करना मजाक का क्या मतलब कि यानी उस जमाने का जो ट्रेंड था <C touches> कौन सा ट्रेंड था लिटरेरी ट्रेंड था जर्नलिज्म का ट्रेंड था उसको एक सही डायरेक्शन ये देना चाहते थे वो डायरेक्शन क्या हो सकता है उसकी वजाहत फिर वो कहते हैं यानी वो कहते हैं कि इस रसाले को निकालने का वाद मकसद ये है कि दुरुस्ती मजाक यानी उस जमाने का जो लिटरेरी जर्नलिज्म का ट्रेंड था उसको सही रास्ते पे लेके आए वो क्या कहते हैं पहली बात कि मजामी नसरों नजम हर कस्म के होंगे पाबंदी नहीं होगी कि आप ये लिखिए वो लिखिए और यह ना लिखिए यानी सवानही भी होगी तारीखी भी होगी इलमी फ़लसफियान अखलाकी तमदनी हर तरह के और आखिर में दूसरी बात कहते हैं कि ऐसे मजामी जो ना तो बहुत ज़्यादा खुश्क हूँ और ना बहुत ज़्यादा हल्के फुलके हों यानि मालूमती मजामी होना चाहिए और कम्यनिकेशन भी बहुत ज़ोर दे रहे कि जबान इस्टाइल क्या होना चाहिए फिर उसके बाद कहते हैं कि नज्म दो हिस्सा होगा एक नसल का होगा एक नज्म का होगा नज्म के हिस्से में कहा कि इस किस्म की नजमें शायरी की जाएंगी जिनके अंदाज़ बयान में कोई खसूसियत हो सपाट शायरी की कोई जगह नहीं है इसके बाद उन्होंने कहा कि तर्ज़ कदीम और जदीद दोनों को इसमें शामिल कर सकते हैं प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम किताब कायनात में आए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत शुक्रिया और इस प्रोग्राम के डायरेक्टर का भी शुक्रिया हमें मौका तो नाजरीन ये था प्रोग्राम का पहला हिस्सा तो, तो नाजरीन यह था प्रोग्राम का पहला हिस्सा अब चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानब जहाँ हम एक हिंदी किताब पर गुफगू करेंगे नाजरीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका इस्तबाल है जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक हिंदी किताब पर गुफगू करते हैं आज जिस हिंदी किताब पर हम गुफ्तु करेंगे उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी एक प्रेरक जीन जीवनी नरेंद्र शर्मा की ये किताब है और इस किताब पर गुफगू करने के लिए हमारे दरमियान हैं हमारे मेहमान प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह साहब आप सी आई एल जे एन यू में प्रोफ़ेसर के केहदे से सबकदोश हुए हैं और हिंदी अदब में आपका नाम बड़े इज़्ज़राम से लिया जाता है आप करीब दो दर्जन से ज़ायद किताबों के मुसनफ़ मौलफ़ हैं सर बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में प्रोग्राम की शुरुआत में पहला सवाल ये कि इस किताब के हवाले से बताइए कि इस किताब में जितने अफवाब हैं जितने चैप्टर्स हैं उनमें किस तरह से महात्मा गांधी की, की, की जीवनी को प्रेरक जीवनी को आ, समेटा गया है आप लोगों ने इस बार जिस किताब का चयन किया है वह किताब विशेष महत्वपूर्ण है विशेष महत्वपूर्ण क्यों है इस पर मैं बाद में मैं अभी चर्चा करता हूँ इस किताब का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी एक प्रेरक जीवनी इस किताब को जब मैंने देखा है और थोड़ा इसको उल्टा पलटा तो ये मुझे लगा कि गांधी की जीवनी लिखना एक बड़ा काम है जो कई वॉल्यूम में होगा गांधी के जीवन पर जो उपन्यास लिखे गए जो और चीज़ें लिखी बड़े मोटे मोटे और काफ़ी इस इस किताब की खासियत यह है कि यह किताब बच्चों के लिए लिखी गई है और इलेस्ट्रेशन के साथ और पूरे गांधी जी के जीवन प्रसंग को कुछ इस अंदाज से प्रस्तुत किया गया है कि बहुत कम शब्दों में और बहुत कम विस्तार में हम गांधी को पूरा पूरा पकड़ सकें जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस किताब के लेखक नरेंद्र शर्मा हैं नरेंद्र शर्मा हिंदी में गीतकार के रूप से जाने जाते हैं न केवल जाने जाते हैं बल्कि विशेष स्थान रखते हैं यह किताब नरेंद्र शर्मा ने 1969 में लिखी थी और किताब इतनी महत्वपूर्ण हुई कि ये आज भी नई बनी हुई है प्रकाशन विभाग इसका लगातार एडिशन निकाल रहा है लगातार किताब चर्चित हो रही है गांधी को विस्तार से पढ़ने के साथ साथ ऐसा पाठक वर्ग भी मौजूद है जो गांधी जी को समझने के लिए कुछ नई चीज़ों को जानने के लिए उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से सहायक या बाधक हुई उसको बहुत संक्षेप में वह जान लेने पर हमेशा उत्सुक रहता है और ऐसी दशा में यह किताब विशेष सहायक होती है आप बताइए सर के गांधी जी का लंदन जाना लंदन से वापस आना इन सब अध्यायों को इसमें शामिल किया गया है उस पर कुछ रोशनी डाली है हमारे ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है देखिए गांधी जी का जीवन और गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा जीवन है कुछ ऐसा व्यक्तित्व है कि उसको जहाँ से पकड़िए वहीं से आपको कुछ न कुछ नैतिकता कुछ न कुछ आदर्श कुछ न कुछ, कुछ, कुछ सत्य के असत्य के प्रति लगाव ये सब चीज़ें दिखाई देने लगेंगी गांधी बचपन से ही ये लगने लगा था कि यह एक ख़ास व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा वह चाहे घर में परिवार में स्कूल में पढ़ते हुए माँ के साथ पत्नी के साथ बेटों के साथ एक एक ऐसी जिंदगी और ये उसके नुमाइंदे बनते हैं जो कि और लोगों की नहीं थी गांधी एक नहीं बन जाती गांधी समय के लंबे थपेड़ों को झेल करके तब महात्मा गांधी बने हैं गांधी का जीवन अगर देखा जाए तो पोरबंदर से शुरू होकर लंदन दक्षिण भारत और फिर भारत की राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी तो ये इतनी चीज़ें जो हैं ये एक साथ एक किताब में समेट पाना थोड़ा मुश्किल था लेकिन बच्चों के नज़रिए से नरेंद्र शर्मा गांधी का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं एक गांधी के व्यक्तित्व की एक झांकी यहाँ दे देते हैं सर एक सवाल बनता है इस किताब में कि नरेंद्र शर्मा की जैसे मैंने पढ़ा नरेंद्र शर्मा की भाषा बहुत सरल है और ऐसा प्रतीत होता है ऐसा मालूम होता है के बच्चों को समझाने के लिए ऐसी ऐसी जबान ऐसी भाषा का इस्तेमाल समझाने सम्झा... के लिए इस तरह की ज़... इस तरह की भाषा ऐसी जबान इस्तेमाल की गई कि वे आसानी से समझ सकें दूसरी चीज़ कि गांधी के व्यक्तित्व से या गांधी के जीवनी से या जीवनी लिखते समय तमाम जो टर्मोलॉजी होती है जो बच्चों के लिए उबाऊ होता वे है वे उस टर्मोलॉजी से बचे हैं वे उन चीज़ों की कतई मतलब धर्म की इनकी उनकी या धर्म की व्याख्या या जिन चीज़ों में गांधी टालस्टा और सभी लोग ऐसी कोई बात नहीं, नहीं करते वे सिंपल रूप से एक मानव की जीवनी रखते हैं और वह जीवनी बच्चों के लिए कुछ प्रेरक हो सके इसका प्रयास करते हैं और ज़्यादातर उसको दिलचस्प बनाने के मतलब रोचक बनाने की का प्रयास है इस, इस किताब में और यही इस किताब की मुझे लगता है बहुत बड़ी खासियत होती है किताब देखिए ये जीवनी लिखना बड़ा कठिन काम है जीवनी लिखना वो बिल्कुल परकाया प्रवेश जैसा है दूसरे की काया में दूसरे के शरीर में आपको प्रवेश करना होता है और वहाँ से जब आप तब समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है आदमी कैसा है तो जीवनी जैसे जटिल जटिल विधा का अच्छी तरह से निर्वाह करना और ये नरेंद्र शर्मा की लिखी हुई अकेली जीवनी है मैंने बताया कि जितनी उन्होंने कविताएँ लिखीं कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं जीवनी इनकी अकेली और अकेली पहली ही जीवनी एक तरह से जो इनका टारगेट ग्रुप था बच्चों को देख करके जो जीवनी लिख रहे थे उसमें ये सफल हुए अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाए गांधी का या गांधी के व्यक्तित्व का कुछ ऐसा पक्ष जो बच्चों के लिए लाभकारी होता है आदर्श है जो आदर्श है नैतिकता है इन सब सारी चीज़ों को ये और ये कोरा आदर्श ही नहीं है व्यवहार भी है व्यवहार भी है जैसे आप लोगों ने देखा हो ना कि गांधी अगर कहीं कोई गंदगी देख रहे थे तो उस गंदगी को देख करके दूसरे को डांटना डपटना जिसे रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे एक व्यक्ति ने थूक दिया गांधी ने उठा करके उसको अखबार से साफ करके खिड़की के बाहर फेंक दिया दूसरी बार उसने फिर थूक दिया दूसरी बार भी कुछ नहीं बोले उठाए उसको बाहर फेंक दिया तीसरी बार से वो खिड़की के बाहर थूकने लगा तो ये इतनी इतनी अगर जिसमें बर्दाश्त की क्षमता हो मादा हो उतना तब जा कर के गांधी जैसा व्यक्ति तो बनता है प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इस किताब मोहनदास करमचंद गांधी एक प्रेरक जीवनी के हवाले से बड़ी ब, इल्मी गुफ्तु हमारे आपके दरमियान हुई तो नाजरीन ये था प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा अब हम चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी और तीसरे हिस्से की जानब जिसमें हम आनंद नारायण मुल्ला की शायरी और उनकी शख्सियत को जानने की कोशिश करेंगे आई नए रंगीन जिगर कुछ भी नहीं किया क्या हुसन ही सब कुछ है नज़र कुछ भी नहीं किया ये खूबसूरत शेर और इस जैसे बहुत से खूबसूरत अशार के खालिद पंडित आनंद नारायण मुल्ला हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहसीब के अमीन और एक बेलोस मुहिब वतन थे उर्दू से मोहब्बत और इस मुल्क से मोहब्बत उनके वजूद का हिस्सा थी उनका ये कहना है कि मैं अपना मजहब छोड़ सकता हूं लेकिन उर्दू को नहीं छोड़ सकता उनकी शख्सियत के इस अहम और रोशन पहलू को दर्शाता है जिसे हमारे मुल्क अजीज ने से संजो कर रखा है पंडित आनंद नारायण मुल्ला बुनियादी तौर पर कश्मीरी ब्राह्मण थे लेकिन उनके बुजुर्ग पंडित कालीदास मुल्ला लखनऊ आकर आबाद हो गए थे और यही पंडित जगत नारायण मुल्ला के यहाँ 24 अक्टूबर 1901 को पंडित नारायण मुल्ला की पैदाइश हुई मुल्ला की इब्तदाई तालीम फरंगी महल लखनऊ में हुई जहाँ उनके उस्ताद बरकतुल्ला रजा फरंगी महली थे आनंद नारायण मुल्ला ने अंग्रेजी जब एम ए किया कानून की की पढ़ाई भी की और वकालत के पेशे से मुंसलिक हो गए 1955 में लखनऊ हाई कोर्ट में जज के उहदे पर फाइज हुए वकालत के पेशे से दस्तबरदार होकर मुल्ला ने सियासत के मैदान में कदम रखा उन्नीस में लखनऊ से आजाद उम्मीदवार के तौर पर पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए उन्नीस में राज्यसभा के मेंबर के तौर पर भी उनको मुंत किया गया मुल्ला अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर भी रहे आनंद नारायण मुल्ला ने अंग्रेजी अदब का होने की वजह से शुरुआती दिनों में अंग्रेजी अदब में शायरी की लेकिन रफ्ता रफ्ता वो उर्दू की तरफ रागिब हुए और फिर लखनऊ की शेरी अदबी फिजा ने भी उनकी शायराना शख्सियत को निखारने और उनको चोटी तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया शायरी में मुल्ला का नजरिया इंतहा था मुल्ला पर अल्लामा इकबाल के असरात बहुत गहरे थे और उन्हें मौसर और मौतदिल बनाने में अल्लामा इकबाल के असरात का अहम रोल रहा है आनंद नारायण मुल्ला के शेरी मजबू में जुए शीर कुछ जर्रे कुछ तारे मेरी हदी से उम्र गुरेजा करब आ गही जादा मुला काबिल मुल्ला को उनकी अदबी और समाजी खदमात के अतराफ में कई इनामात और एजाजात भी नवाजा गया आपको उन्नीस सौ चौसठ में साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सरफराज किया गया बारह जून उन्नीस सौ सतानवे को पंडित आनंद नारायण मुल्ला ने दिल्ली में वफात पाई आनंद नारायण मुला जिंदगी भर उर्दू जबान अदब के फरोग और हिंदुस्तानी तहजीबाफी तश्र तबलीग के लिए हमेशा कोशा रहे फिर परस्ती और ऊंच नीच के खिलाफ उन्होंने अमली जद्दोजहद की वो अपने मिसबत नज़रियात और तामीरी सोच के लिए हमेशा याद किए जाएंगे तो नाजरीन प्रोग्राम किताब कायनात का ये एपिसोड यहीं अख्ताम पजी होता है अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी दूरदर्शन किताब कायनात और मुस्तैसन रिवी को दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज।